मिथिला सांस्कृतिक परिषद जमशेदपुर के तत्वाधान में द्विदिवसीय विद्यापति स्मृति एवं समारोह का भव्य आयोजन दिनांक 8 और 9 जून 2024 को शनिवार और रविवार को बौद्ध मंदिर मैदान के निकट राजेंद्र विद्यालय साकची के प्रांगण में किया जा रहा है। आयोजन के आकार आमंत्रण को घर घर तक पहुंचाने के लिए विद्यापति रथ प्रस्थान किया जा रहा है, जिससे आयोजन से संबंधित सूचना हर घर तक पहुँच सके। देखिए पूरी रिपोर्ट। रथ यात्रा समारोह के अतिथि में श्री अंजनी तिवारी, श्री मनोज कुमार ठाकुर शामिल हुए। स्वागत संबोधन अध्यक्ष शिशिर झा ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन राजेंद्र कर्ण ने किया। कार्यक्रम का संचालन शिवचंद्र झा ने किया। यह विद्यापति प्रचार रथ शहर के कोने कोने में जाकर सभी मैथिल भाषा भाषियों सहित आमजन को समारोह का हकार यानी आमंत्रण देंगे। यह आयोजन संध्या 5 बजे से आरंभ होकर रात्रि 10 बजे तक चलेगा। इस सांस्कृतिक महाकुंभ में मैथिली के प्रसिद्ध गायकी श्रीमती पूनम मिश्रा, श्री विकास झा और सुश्री स्वाति झा, श्री ऋषभ भारद्वाज, श्री पंकज झा, श्री शंकर नाथ झा सहित अनेक स्थानीय कलाकार भी उपस्थित रहेंगे। साथ ही उद्योषणा एवं हास्य के लिए श्री राम सेवक ठाकुर जी अपनी मनमोहक प्रस्तुति से आप सभी दर्शकों को मनोरंजन करेंगे। समारोह में आनंद मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें मैथिल खान पान सहित विभिन्न तरह के अनेक स्टॉल रहेंगे। इस बार दोनों दिन आनंद मेला का आयोजन किया गया है। देखिए, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मिथिला सांस्कृतिक परिषद जमशेदपुर के द्वारा विद्यापति स्मृति समारोह पर मनाया जा रहा है और उसी के द्वारा आज प्रचार रथ यात्रा निकाला गया था, ताकि लोगों के बीच में, मिथिलांचल वासियों के बीच में यह प्रचार हो और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगामी 8 तारीख और 9 तारीख को शनिवार रविवार संध्या 5 बजे से यहाँ मिथिलावासी आए और अपने जो पारंपरिक और सांस्कृतिक जो हम लोगों का कार्यक्रम है, जैसे आनंद मेला है, महिलाओं के द्वारा आनंद मेला लगाया जा रहा है, भिन्न भिन्न माने बहुत सारे तरीके से जो हम लोगों की व्याख्यात व्यंजन है वो भी रखा गया है, ताकि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाए। देश भर से गिने चुने जो हम लोगों के कलाकार है मिथिलावासी, वो सब पहुंचने वाले हैं। आप लोगों के लिए, मिथिलावासियों के लिए सुनने के लिए यह भव्य आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाए, मैं यही आग्रह, यही अपील कर सकता हूं आप लोगों से। तो अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी झारखंड से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जीवीएन 24।